हाय गाइस, माय नेम इज़ कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कशिका चौहान सरोजी नगर जाए और आपको ना लेके जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो इस बार भी मैं जब सरोजी नगर गई, मुझे लगा यूजुअल वीडियो नहीं बनाते, एक बढ़िया सा चैलेंज लेके देखते हैं जो मेरे लिए भी एक्साइटिंग होगा प्लस आपके लिए भी एक्साइटिंग होगा। सो आज मैं करने वाली हूँ अंडर 1000 रुपीज़ ओनली होल आउटफिट चैलेंज। पूरा आउटफिट हमें रेडी करना है 1000 रुपीज़ के अंदर। सो लेट्स सी वो पास हुआ फेल हुआ, वो बिल्कुल आपको लास्ट में पता चल जाएगा। सो यूजुअली आपको पता है मेट्रो से जाने का रास्ता सबसे बेस्ट होता है सरोजिनी के लिए। पिंक लाइन में डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन है, हम सुबह सुबह गए थे बिकॉज जितना जल्दी जाओ उतना अच्छा। एंड बाहर निकलते ही हमें एक शॉक लग गया था बिकॉज वहां पर रैंडम टेस्टिंग समथिंग चल रही थी कोविड की। वो फटाफट लाइन लगा रहे थे, आपको एक कोड दे रहे थे, फिर आगे वो टेस्ट कर रहे थे। एंड खाली वो टंग पे टच कर रहे थे, कोई प्रॉपर वाला वो टेस्ट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट डे लिंक आया था हमें फोन पे और उसमें रिजल्ट आ गया था, टच वुड वो नेगेटिव था। सो उस टाइम मुझे टेस्ट करने का कोई सेंस ही समझ आया बिकॉज रिजल्ट तो उस टाइम आ नहीं रहा था, बट चलो कोई नहीं। सो मार्केट में जब ऐसे एंटर करते हैं, काफी भीड़ मिली थी, मॉर्निंग गए थे लेकिन फिर भी सैटरडे मॉर्निंग भी भीड़ थी। अगर आप वीकडे जा सकते हो ना, कोशिश किया करो वीकडे में जाओ। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे फुटवेयर्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहे हैं आजकल ये वाले फुटवेयर्स। आपको ज़ारा है नॉर्मल भी वाले स्लिपर्स दिख जाएंगे, ये आपको इजीली हर दूसरे स्टॉल पर 250 रुपीज़ के मिल रहे थे। ये मत सोचना आगे से लोगे तो सस्ता मिलेगा, हर जगह फुटवेयर के फ्लैट प्राइस थे 250, लेकिन मैंने एक बढ़िया सी डील लिया जो आपको दिख जाएगी। सो यहाँ से हमारी मेन मार्केट शुरू होती है जो ग्रफिटी लेन से हम एंटर करते हैं। एंड एंटर करते हैं पता चल गया था कि विंटर ऑफिशियली आ चुका है बिकॉज कोट्स की भरमार थी। एंड वन थिंग विच इज़ पैसा वसूल फ्रॉम सरोजी नगर इज कोट। आप स्वेटर्स मत लो, निटवेयर मत लो बिकॉज काफ़ी बार डिफेक्ट्स होते हैं, बोर होते हैं, लेकिन ये वाले जो कोट है ना, आई थिंक दे आर वर्थ इट बिकॉज यही चीज़ आपको ब्रांड में 8-10-20 हज़ार की मिलती है। यहाँ पर आपको ईजिली 450-500 आपके बार्गेन पर डिपेंड करता है, आप एक अच्छा कोट ले सकते हो। बहुत सारे टाई एंड डाई प्रिंट्स भी दिखे हमें सरोजी नगर में बिकॉज आजकल टाई एंड डाई का काफ़ी फैशन है। ग्रफिटी लेन से अंदर आने के बाद आता है बिक्सी, और बिक्सी के आसपास आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स दिख जाएंगे। ये भैया ने मोनोकिनीज बिकनीज रखी हुई थी, सो आप स्विम वेयर एंड ऑल ले सकते हो। उसी के साथ में भैया थे हेयर बैंड्स वाले, एंड यहाँ साथ में आपको हैंड बैग्स भी मिल रहे थे। ये वाले सारे जो ट्रेंडी आजकल हैंड बैग्स आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखते हैं ना, वो इजीली यहाँ पर मिल रहे थे 400-500 समथिंग के। सो आप ऑलमोस्ट हाफ रेट पे ले सकते हो सरोजनी से, अगर आप दिल्ली में रहते हो। दिल्ली से बाहर वाले तो इंस्टाग्राम से लेंगे, सॉरी टू से दैट, बट ठीक है यार, हमें एडवांटेज है। बिक्सी के नीचे एक और स्टॉल है जो बहुत अच्छे सैटन के नाइट वेयर रखते हैं, उसके ऑपोजिट भी एक स्टॉल है जो बहुत अच्छे नाइट वेयर सेट रखते हैं। और यहाँ से बिल्कुल बिक्सी के ऑपोजिट जो नाइट वेयर की शॉप थी उसके अंदर एक पतली सी गली जाती है और यहाँ पर आती है कुशन की शॉप, कुशन कवर्स की शॉप। एंड लिटरली एंटर करते ही सामने पिलो रखा हुआ था के अल्फाबेट का, एंड जो मेरी फैमिली का पार्ट है उनको पता है मेरा थोड़ा सेल्फ ऑब्सेशन है खुद के नाम से, मुझे के नाम की चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें मर्चेंडाइज बेसिकली अच्छे लगते हैं। सो जैसे ही मैंने देखा वाज लाइक आई हैव टू गेट इट, लेकिन उस वाले में डिफेक्ट था। सो मैंने भैया को बोला मुझे और दे दो अगर हो तो। सो उन्होंने अंदर से एक प्रॉपर पीस निकाला जो बिल्कुल बढ़िया वाला पीस था। रेट मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ जब मैं आपको पूरा हॉल दिखाऊंगी, बट इनके पास कुशन कवर्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। अगर आप कुछ बोहो डेकोर एंड ऑल देख रहे हो ना, डेफिनेटली विजिट है बिकॉज कवर के साथ पिलो भी आपको प्रॉपर मिल रहा है, काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। सो मार्केट में अंदर जाते जाते एज यूजल बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल थे। इस बार ना मिक्स था, अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो गर्मी सर्दी का मिक्स सामान था, ना प्रॉपर सर्दी का था ना प्रॉपर गर्मियों का था। और जैसे ऐसी स्कर्ट्स मिल रही थी लिटरली थिक मटेरियल की, वुलन वाली जो सर्दियों वाली स्कर्ट्स होती हैं लॉन्ग लेंथ की आपको मिल रही, यू कैन डेफिनेटली पेयर इट अप विद बूट्स एंड ऑल, आप स्टाइल अप कर सकते हो। फिर एक फिश पॉइंट आती है शॉप, उसके बिल्कुल अपोजिट एक हैंडबैग्स की शॉप है जो बहुत अच्छी वैरायटी रखती है। इनके पास सारे ट्रेंडी हैंडबैग्स हैं जो आप सोच सकते हो जो आजकल सेल हो रहे हैं बेसिकली। ये फर्स्ट कॉपीज भी रखते हैं अच्छी अच्छी ब्रांड की, बट जो भी आप इंस्टाग्राम के स्टोर्स पर देखते हो ना वो डेफिनेटली इनके पास मिल ही जाएंगे। और बिल्कुल उसके साथ में ही फिश पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट ये इयर रिंग्स वाले भैया भी बैठते हैं जो काफ़ी क्वर्की इयर रिंग्स रखते हैं। मतलब इतने क्वर्की आजकल डिज़ाइन चल रहा ना, काफ़ी ज़्यादा मैं इंप्रेस हो गई थी बिकॉज द वैरायटी वाज ह्यूज। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे जाके एक शगुन साड़ी, इसके ऑपोजिट मेरे फेवरेट वाले भैया आते हैं जहाँ से मैं मेजरली इयररिंग्स एंड ऑल सब कुछ लेती हूँ बिकॉज इनकी वैरायटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इनका रेट भी मुझे एकदम सही लगता है। ये कोमल ज्वेलरी करके शोरूम है, उसके बाहर बैठते हैं बेसिकली। एंड यहाँ से ही मैंने इयररिंग पिक किया, मतलब जस्ट इमेजिन मैं आउटफिट चैलेंज कर रही हूँ और मैंने इयररिंग पहले ले लिया, कितना बड़ा चैलेंज मैंने खुद के लिए ले लिया बिकॉज मार्केट में ना इतना दिमाग नहीं चलता, जो दिख रहा है ले लो, बट लुक एट दिस, इतने क्वर्की इयररिंग्स देना यार, मन कर रहा था सब कुछ ले लो बट नहीं यार, चैलेंज है तो हमें चैलेंज के बजट में रहना है। सो ये इयररिंग्स मैंने आपको एज यूजुअल बताई दिया कि मैंने ले लिए। सो यहाँ पर जाके जो हमारी पूरी अंदर की लेन है ना लंबी सरोजनी नगर की, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है एब्रॉल सन्स के पास आके, उसके बिल्कुल अपोजिट एक पूरा एक लंबा सा स्टॉल है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे
अच्छी अच्छी कुर्ती लगाई हुई थी कॉटन की, सिंथेटिक मटेरियल की भी, एंड इनके पास बड़े साइजेस भी अवेलेबल थे। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल में देख रहे हो, दिवाली के लिए शॉपिंग कर रहे हो। उसी के साथ में एक और पूरी अंदर जाके शॉप आती है जिनके पास काफ़ी अच्छी ड्रेसेस की कलेक्शन होती है, एंड मेन जो मार्केट है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जो अंदर की लेने। और मैंने यहाँ पर आते आते पैनिक करना शुरू कर दिया था बिकॉज मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। एंड इफ़ यू नो मी, इफ यू आर फॉलो मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैलेंज, मैं कुछ भी ऐसा एरा गैरा उठा के नहीं लूँगी। मैं जो पीस लूँगी फाइन पीस लूँगी। सो मेरा दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो गया था। सो हम रुके, हमने थोड़ा सा खाना खाया, भेलपूरी खाई, छोले कुलचे खाए थोड़ा सा ताकि दिमाग चले मेरा, बिकॉज खाना खाने के बाद मैं खुद भी थोड़ा बेटर फील करती हूँ। एंड ऑलवेज सैनिटाइज बिकॉज भीड़ कितनी भी हो मार्केट में, आप जब मास्क उतार रहे हो तो सैनिटाइज करना ज़रूरी है। सो दोबारा हम लग गए अपनी शॉपिंग के ऊपर। हम वापस अंदर लेन में नहीं गए, हम बाहर ही, जो बाहर की यू शेप बेसिकली सरोजनी नगर की मार्केट है, फिर हमने अंदर की लेन एक्सप्लोर करने के बाद यू शेप की आउटर वाली मार्केट एक्सप्लोर करी। एंड यहाँ से मैंने काफ़ी सारे पीसेस, फाइनली एक पूरी आउटफिट हमारा रेडी हो गया अंडर ₹1000, बिकॉज अब तो लेना ही था यार, बिल्कुल अब ऑप्शन नहीं था, आई हैव टू डू इट। सो डेनिम्स देखी, ड्रेसेस देखी, एंड निकलते निकलते मुझे थैंक गॉड एक फुटवेयर की शॉप भी मिल गई जो 200 रुपए में फ्लैट ही वाली फुटवेयर्स रख रहे थे। सो मैंने एक फुटवेयर भी ली अपने आउटफिट से मैचिंग के लिए, एंड काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे यार इनके पास। एंड अगर आप कॉलेज गोइंग हो ना तो 200 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है, यू कैन डेफिनेटली पिक इट अप फॉर योर फ्रेशर्स पार्टी और ऐसी छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए। एंड फाइनली दैट्स इट, हमारी शॉपिंग हो गई डन। मेरी BFF ने काफ़ी हेल्प किया मेरे चैलेंज में। कुछ भी, I'm back home and ready to show you all the stuff that I got from Sarojini. Plus under ₹1000 हमारी लुक क्रिएट हुई है, नहीं हुई है वो आपको लास्ट पता चल जाएगा। प्लीज मुझे बताना कि ये चैलेंज मेरा पास हुआ या फिर नहीं हुआ। मैंने पूरी कोशिश करी हेड टू टो पूरा एक लुक क्रिएट करने की। एंड बिफोर यू से इतना लाउड मेकअप क्यों करके बैठे हो, मैंने अभी इंस्टाग्राम की एक रील शूट करी थी, इट्स लाइक अ दिवाली मेकअप लुक विद कीरो ब्यूटी, तो मुझे लगा इसी में शूट कर लेती हूँ, क्या मेकअप हटाना यार। तो हम ग्रेफिटी लेन से जैसे एंटर करते ना बिक्सी आता है, बिक्सी का एक शोरूम आता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक नाइट सूट वाले कोई भैया बैठे थे, और एक पतली सी गली थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग क्वेश्चन रख रहे थे, आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देख लिया होगा। और वहां पे एंटर करती मुझे ये क्वेश्चन दिख गया था, लिटरली के नाम का क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे सामने रखा हुआ था, ये स्क्रीम कर रहा था ये कशिका मैं आपके लिए सामने बैठा हूं मुझे ले लो। सो मुझे बहुत सुंदर लगा वो जो वहां पे क्वेश्चन रखा था ना, उसमें यहां पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, मतलब ये जो वेलवेटी सॉर्ट ऑफ एक फील है ना उसकी थोड़ी सी उधड़ी हुई थी। तो मैंने भैया को बोला कि अगर आपके पास कोई फ्रेश पीस है तो निकाल दो, तो उनके पास एक और फ्रेश पीस था, दो तीन थे इनफैक्ट उनके पास के नाम के, लेकिन मैंने ये वाला चूज किया बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। सो जब मैंने उनसे रेट पूछा, वाज लाइक इसका प्राइस होता है, इसका क्या रेट है, ही सेड 150। तो मुझे पहले लगा खाली कवर का रेट 150 होगा, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि पूरा पिलो है ना, तो उन्होंने कहा हाँ पूरा पिलो 150 का। मैं वाज लाइक बढ़िया है यार, तो मैंने बार्गेन भी नहीं किया। ग्रेफिटी लेन से मार्केट शुरू होती है, दूसरी एंड पे भी एक ग्रेफिटी सॉर्ट ऑफ लेन आती है जहाँ पे डेकोर का सामान रखा होता है, तो उसके बाहर ही एक ये भैया बैठे थे जिन्होंने स्टैंड के ऊपर ऐसे टॉप लगाया था, और मुझे काफी सुंदर लगा, कॉटन का अच्छा ब्रीदेबल मटेरियल का मुझे टॉप लगा, आई लव्ड इट। ये बाय द वे पैडेड है, तो इसके अंदर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पैडेड ब्रा नहीं पहननी, बिकॉज ये काफी अच्छी ना बॉडी हगिंग शेप देता है। सो ये मुझे पड़ा है ₹200 का, पीछे इसमें आती है प्रॉपर ऐसे इलास्टिक, एंड साइड में उन्होंने जिपर भी दिया है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ₹200 में साइड में जिप भी मिल रही है। ये मेरा फर्स्ट पीस है अंडर ₹1000 वाले आउटफिट चैलेंज का। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट रैंडमली देख लिया है ना अंदर किसी शॉप पे लगा होता, मुझे काफी अच्छा लगा, अभी आपको देखने में ना इतना वाव नहीं लगेगा बिकॉज काफी प्लेन है, लाइक अ लॉन्ग लॉन्ग ड्रेस, लास्ट में आपको पहन के पूरा दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे नीचे दोनों साइड ना स्लिट दिया हुआ है, निटवेयर मटेरियल की ये ड्रेस है, एंड द ओनली ड्रेस जिसपे कोई बुर नहीं आई हुई थी, जिसमें कोई कट पिट नहीं था, मुझे एकदम परफेक्ट फाइन ये पीस लगा। अदरवाइज विंटर वेयर में ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बुर वगैरह मिलती है, फिर वो चीज़ पहनी नहीं जाती। एंड इसमें ना यहाँ पे दोनों साइड ना ऐसे यहाँ पे क्रिम्पल क्रिम्पल वाला ऐसे पैटर्न दिया हुआ है। सो मैंने भैया को भी बोला कि क्या ये हिप एरिया के पास आके बड़ा अजीब सा लगे, इसे नहीं नहीं ये डिज़ाइन है मैडम, डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगता है। बाद में मैंने रियलाइज किया कि इसके टैग के ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड नेवी मटर्निटी M। सो ये मटर्निटी वेयर है, मटर्निटी वेयर ऑब्वियसली जो आपका थोड़ा सा बेबी बंप होता है उसके इसमें यहाँ पे इन्होंने आई गेस एक्स्ट्रा डिजाइन दिया, पूरी लॉन्ग जाती है, मेरे लिए भी परफेक्ट है बिकॉज मुझे अभी काफी ज्यादा ब्लोटिंग हुई है जो ऑलमोस्ट बम जैसी लगती है। बट यार दिस इज सेकंड आइटम दैट आई हैव पिक्ड, एंड ये मैंने लिया है प्रॉपर स्टाइल करने के हिसाब से। अभी तो मैं आपको ऐसी पहन के दिखाऊंगी, मैं जब उसको विंटर में स्टाइल करूंगी ना तब आप देखना, बिकॉज इस ड्रेस को देखते ही मुझे पूरा स्टाइल दिमाग में आ गया था। दिस विद अ नाइस गोल्ड चेन जो आजकल लेयर्ड वाली चेन आती है, इसके ऊपर लेदर जैकेट और नीचे लेदर बूट्स, एंड आई एम डन। विंटर में लुक बहुत अच्छी लगेगी, प्रॉपर लॉन्ग है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसके उन्होंने स्टार्ट कोट किया था 450 के अराउंड उन्होंने स्टार्ट किया था, भैया 450 कौन देता है,
इतना मतलब चाहे नेटवेयर है लेकिन 450। सो कम करते करते मैंने उनको 200 कोट किया था लेकिन वो नहीं माने, सेड नहीं 200 नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो 250 में दोगे। पहली बार मैंने अपना रेट बढ़ाया, यूजली मैं अपना रेट नहीं बढ़ाती थी, मैं अड़ जाती थी कि मैं इतने का लूंगी, बट वो ही सेड बोनी का टाइम है देख लो। तो मैंने कहा ठीक है आप 250 में दे दो। तो उन्होंने मुझे 250 रुपीज में दे दिया। 200 भी वो कर देते हैं अगर मैं आगे जाके वो नाटक करूँ ना कि नहीं नहीं मुझे ही लेना, फिर वो पीछे से आवाज लगा के कर देते हैं, बट ठीक है मैंने वो नहीं किया। ठीक है यार 50 रुपए की बात है, क्या जा रहा है। मैंने जो अंडर रुपीज 1000 आउटफिट पूरा दिमाग में सोचा था ना, मैंने टॉप तो पहले ले लिया 200 रुपीज का, फिर मुझे नीचे था इसके साथ प्लाजो तो कोई जाएगी नहीं बिकॉज पेपलम स्टाइल है, तो मुझे लेनी थी एक डेनिम। तो लास्ट में बिल्कुल जाते आते मुझे एक शॉप दिखी, मतलब एक स्टॉल टाइप था जिन्होंने 100 रुपीज की डेनिम्स लगाई हुई थी, बहुत अच्छी उनके पास डेनिम्स थी। तो स्टैंड पे जो डेनिम्स थी ना वो हमें इतनी पसंद नहीं आई, फिर भैया ने बोला कि जो पीछे जैसे वो गट्ठर बना के रखते हैं ना जिसमें और स्टफ पड़ा होता है, तो उन्होंने वो खोल के दिया कि मैडम इसमें देख लो क्या पता इसमें आपको पसंद आ जाए। और वो खोलते ही हमें ये ब्लू कलर की कॉर्डरॉय जीन्स दिखी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, प्रॉपर लॉन्ग स्ट्रेट फिट ही, ऑलमोस्ट बेल बॉटम भी नहीं है, सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेट फिट की ये कॉर्डरॉय जीन्स है। यस कॉर्डरॉय मटेरियल की जीन्स मुझे 100 रुपए में मिल गई, बट मैं आपको रियलिटी दिखाती हूँ, मैं आपको ना पूरी रियलिटी भी दिखाने वाली हूँ, बिकॉज जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनको तो लगता है वाह यार सरोजनी में तो क्या नगीने मिल जाते हैं 100-200 रुपए में, बट ऐसा नहीं होता। आप जितना पे करते हो आपको क्वालिटी भी उतनी ही मिलती है। सो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करो। इसके अंदर की जीन्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टिचिंग ऐसे जा रही है। सो ये फैक्ट्री मेड जैसे जीन्स होती है ना, जैसे स्टिच्ड होती है, यूजली अगर आप ब्रांडेड जीन्स लोगे तो ऐसा स्टिचिंग वाला उसमें नहीं होता सीन, लेकिन यहाँ पे है बिकॉज ये ऐसे ही होते हैं। नाउ वहाँ पर ना मैंने ऐसे नाप के देखा था, अगर आपको नहीं पता, अगर आप ऐसी कहीं मार्केट में जा रहे हो जहाँ आप चीज़ें नहीं ट्राई कर सकते, आप दो ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अगर जीन्स है तो उसको ऐसे नाप के देखो, अगर ये पूरा टच हो रहा है मतलब अच्छा टच हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा आ रहा है तो मतलब ये आपको पूरी परफेक्ट आएगी। जब मैंने नापा तो मुझे एग्जैक्ट ही आ रही थी, तो मुझे पता है अभी ब्लोटेड टमी के हिसाब से मुझे टाइट आने वाली है, और ऐसे ही हुआ। अभी हल्की सी मुझे टमी से टाइट है लेकिन आई रिड्यूस माई ब्लोटेड टमी, तो तब ये एकदम परफेक्ट आएगी। नाउ कमिंग टू एक्सेसरी कैटेगरी, वी ऑल नो सरोजनी कितना फेमस है अपनी एक्सेसरीज के लिए। हर एक पॉइंट के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स मिल जाएंगे, झुमकियों की, वेस्टर्न इयररिंग्स, आजकल तो इतने फंकी इयररिंग्स आ गए, मतलब स्टारबक्स वाटरमेलन वाले, फ्रूट्स वाले, इतने अच्छे अच्छे कोट लिखे हुए थे इयररिंग्स के ऊपर, आई लव्ड इट। बट सबसे पहले जो मैंने पिकअप किया था ना वो ये इयररिंग ही पिकअप किया था। यस ये टॉप जीन्स मैंने बाद में लिया था, सबसे पहले मैंने मार्केट में ये व्हाइट कलर का इयररिंग ही पिकअप किया था, एंड थैंकफुली मैंने व्हाइट लिया बिकॉज अब ये कॉम्प्लीमेंट करने वाला है हमारे चैलेंज के साथ। सो काफी प्रिटी एक चेन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट का है। सो ये ना इसका मटेरियल है प्लास्टिक ही और शाइनी वाला। एक और उनके पास सेट ऑफ इयररिंग था जो मैट में था, जो ऑलमोस्ट प्लास्टिक ही मटेरियल था लेकिन वो मैट था एकदम, और उसका प्राइस था 150 रुपीज, लेकिन मुझे लगा है थोड़ा सा बजट में चलना पड़ेगा हमें, तो मैंने 100 वाला पिकअप कर लिया। ये आपको हर स्टॉल पे ना 100-100 के मिल रहे थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। नाउ अब मार्केट से बिल्कुल निकलते निकलते थोड़े से पैसे और बचे थे हमारे आउटफिट चैलेंज के लिए, और वो जो जितनी फुटवेयर की दुकानें थी ना 250-250 वाली वो सब चली गई थी। मैं यार दोबारा वापस कौन जाएगा, तो वैसे इतनी गर्मी ऊपर से हालत टाइट हो गई है भीड़ में ऊपर। सो फाइनली निकलते निकलते बिल्कुल ऑपोजिट साइड तक हम आ गए थे, हमें एक रैंडमली बीच में भैया दिखे जो 200-200 रुपए में हील सेल कर रहे थे, और बिल्कुल उनके पास ऐसी कलर की बहुत सारे कलर्स की ब्लॉक हील्स थी जो आगे से पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, और मुझे काफी टाइम से ऐसे ट्रांसपेरेंट वाली हील लेनी थी। मैं अमेजोन पे देख रही थी, मैं मिंत्रा एंड ऑल पे भी देख रही थी, मुझे थोड़ा सा ना प्राइस उनका ओवरहाइप लगा, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कितना पहनूंगी, एक दो बार ही पहना जाता है ड्रेसेस के साथ। तो जब मुझे भैया के पास 200 रुपए में दिखी, आई वाज लाइक यस ये 200 रुपए में एकदम परफेक्ट ये हील है। बेस्ट थिंग इज ये काफी कंफर्टेबल है, इसको पहन के बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। बाय द वे दीज आर माय फर्स्ट पेयर ऑफ हील्स जिसमें पीछे स्ट्रैप नहीं है। आप जितने मेरे हॉल्स देखते होगे ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल भी कोई हील या फुटवेयर नहीं लेती जिसमें पीछे स्ट्रैप नहीं होता, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक पीछे स्ट्रैप से एक अच्छी ग्रिप आती है। बट पर्सनली जब मैंने इसको पहना, मैं चली, मुझे बढ़िया लगी बिकॉज इसका जो कवर है ना वो यहाँ तक पूरा पैर कवर हो रहा है, तो पैर अननेसेसरी उठते नहीं है, ये ज्यादा टक 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 नहीं करती। सो आई रियली लाइक इट। अगेन मैंने लिया है बेस वाइट, क्योंकि हमारी जो आउटफिट चैलेंज वाली थीम चल रही है हल्की सी व्हाइट इंस्पायर्ड चल रही है। एंड फाइनली मेरे थोड़े से और पैसे बचे थे, सो मुझे लगा अब मैं क्या लूँ, बैग तो आएगा नहीं 150 रुपए में, मैंने तो इतना सारा कुछ ले ही लिया है। सो बिल्कुल निकलते निकलते मुझे एक बहुत ओल्ड से अंकल थे, उनकी कैप्स की शॉप थी वहाँ पे, उन्होंने अलग अलग तरह की कैप्स रखी हुई थी वहाँ पर, मुझे दिखी ये बकेट हैट सुंदर सी 100 रुपीज की, नहीं 125 किया उन्होंने मुझे, कोट किया था 150 रुपीज, फिर मैंने कोशिश करी कि आप 100 में दे
दोगे? ही सेड नहीं, आप ऐसा करो 125 में ले लो. तो मुझे लगा ठीक है. अगेन मैंने ज्यादा बार्गेन नहीं किया इस बार, तो मैंने 125 रुपीज की उनसे बकेट हैट ले ली. बिल्कुल ओके है, मतलब सिंगल लेयर कपड़ा है ना, तो इतनी स्टिफ नहीं है. जैसे अच्छी क्वालिटी की जो आप बकेट हैट देखते हो H&M एंड ऑल में, ऑब्वियसली 1000 रुपए की होती है, तो ये वाला जो मटेरियल होता है काफी स्टिफ होता है, लेकिन मुझे इसका मटेरियल ठीक लगा. एंड 125 रुपीज में क्या ही चाहिए यार. तो ये था मेरा छोटा सा सरोजनी हॉल. अब अगर मैं इस पिलो के प्राइस को माइनस कर दूं ना, बिकॉज हम आउटफिट चैलेंज ही करने वाले हैं, तो 150 रुपीज माइनस कर दूं, 975 रुपीज में मुझे ये सारा सामान मिल गया था. सो अब मैं दो लुक्स आपको दिखाने वाली हूँ अंडर रुपीज 975 ओनली. प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी लुक अच्छी लगी. एंड 1 2 3 है यू गो. जस्ट अंडर रुपीज 1000 ओनली. कैन यू बिलीव इट, आई डिड इट. कहीं ना कहीं मैंने चैलेंज पूरा तो करके दिखाया है. प्लस डू लेट मी नो आपको कौन सी लुक ज्यादा अच्छी लगी, समर वाली या फिर विंटर वाली. आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है समर लुक या फिर विंटर लुक. देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सी लुक हमारी जीतती है. बेसिकली आप सबके भी ओपिनियन में देखती हूँ आपको कौन सी लुक पसंद आई है. आई ऑलवेज से बिल्कुल ब्लाइंडली कभी शॉपिंग मत करो, हमेशा आंख खोल के करो. आप चाहे 100 रुपए की चीज ले रहे हो, आप चाहे 400, 500, 1000 की चीज ले रहे हो, आप अगर उसको पहनोगे तभी उसकी वैल्यू जस्टिफाई होगी. तो ऐसा नहीं है कि 50-100 रुपए में कुछ भी उठा के ले आओ. इससे पहले जब मैं लास्ट ईयर गई थी ना, मैंने काफी सारे कोट्स लिए थे, आई गेस 2 या 3 लिए थे. अब वीडियो जाके देख सकते हो. सो वो कोट से मेरा विंटर का काम चल जाएगा, इसलिए मैंने अननेसेसरी कोट्स नहीं लिए इस बार. और अगर मैं कोट लेती ना तो ये चैलेंज नहीं हो पाता, बिकॉज जो कोट्स होते हैं वो 400-500 से कम के नहीं आते हैं. बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्रिएट सम अमेजिंग लुक अंडर द बजट आई डिसाइडेड. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.